एशिया का उच्च वत्स। एशिया प्रायद्वीप में प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित पाया जाता है। यह अरावली पर्वत तथा अरब के पठार का धरातली स्वरूप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। अंगारा लैंड स्थलखंड का एक भाग, उत्तरी साइबेरिया का मैदान, एशिया का सबसे पुरातन मैदान है। यह भाग कठोर रवेदार चट्टानों से बना हुआ है तथा दूसरी ओर एशिया महाद्वीप के धरातल पर नवीनतम चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ, नदी घाटियाँ और मैदान भी पाए जाते हैं। इस आधार पर एशिया महाद्वीप को 5 प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तर की निम्न भूमि, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, तीसरा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है नदी घाटियाँ और पांचवा है द्वीप समूह मालाएँ। तो यहाँ पहला पढ़ेंगे उत्तर की निम्न भूमि। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में विशाल निम्न भूमि का विस्तार है। इसका विस्तार साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान के उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर और पश्चिम की ओर यूराल पर्वत तथा दक्षिण व पूर्व की ओर एशिया का मध्यवर्ती पर्वतीय पठार क्रम स्थित है। यह विशाल मैदान उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में एशिया की मध्यवर्ती पर्वतीय पठार श्रृंखला तक 3,400 किलोमीटर चौड़ा तथा पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में प्रशांत महासागर तक 7,500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस विशाल मैदान को स्थानीय विशेषता के आधार पर 4 उपविभागों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी साइबेरिया का विस्तृत मैदान। यूराल पर्वत तथा येनिसी नदी के मध्य यह संसार का सबसे बड़ा तथा समतल मैदान है। इस विशाल मैदान के अधिकांश भाग को ओबे नदी प्रवाहित करती है। यह साइबेरिया का सर्वाधिक उपयोगी मैदान है। दूसरा उपविभाग है पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय भाग। यह भूखंड मैदानों और पहाड़ियों द्वारा निर्मित भूक्षेत्र है। इस भूखंड में पहाड़ियों की श्रृंखलाएं प्रशांत महासागर के तट तक पाई जाती हैं। तीसरा है मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। यह पठारी भूभाग येनिसी नदी से लीना नदी के मध्य तक फैला हुआ है। यह विशाल अंगारा लैंड नामक भूखंड का एक समतल प्राय मैदान है। चौथा है रूसी तुर्किस्तान का मैदान। यह तुरान के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान अरल व कैस्पियन सागर के समीप स्थित है। यह मैदान समुद्री सतह से नीचा है।